हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा रंजन और आप देख रहे हैं ऑफिशियल टेकियांग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ फिर से। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट जानकारी वो है जो कोडुलर से रिलेटेड, ठीक है। तो कोडुलर आप अगर आप भी एक ऐप डेवलपर है तो आपको मालूम होगा, शायद आपको भी इसी प्रकार का मैसेज मिला होगा। अगर जैसे आप कोडुलर पे साइन इन हो जाते हैं तो उससे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आपने देखा होगा, तो इससे रिलेटेड कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या है कि दोस्तों काफी दिनों से कुछ चेंजिंग आया है कोडुलर पे। हम सब जानते हैं कि जो कोडुलर पहला वाला प्रीवियस वर्जन था जो कि 1.4 था, 1.4.0 था, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आया कोडुलर की तरफ से चेंजिंग, फिर उसके बाद हाल ही में कुछ दिनों के बाद और चेंज कर दिया 1.4.0, उसका ईगल वर्जन और बढ़ा दिया एक पॉइंट। तो फिलहाल और क्या हुआ कि एक हफ्ते के अंदर, तो अभी की बात कर रहा हूं मैं, क्या हुआ फिलहाल की बात अगर करूं तो अभी क्या किया कोडुलर ने फिर से और स्टेप बढ़ा दिया, क्या किया 1.4.2 कर दिया अभी वर्जन। अभी कुछ उसमें इम्पोर्टेंट अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी आप ऐप बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अभी बेहतर होगा आप उसमें बनाने के बाद आप गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश मत कीजिएगा। और ये इसलिए कि क्योंकि अभी तक इसका जो अपडेटिंग, न्यू अपडेटिंग जो चल रहा है, इसका प्रोसेस अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मेरा एक ऐप मैंने बनाया था, ठीक है, उसके बाद मैंने एड्स अप्रूवल के लिए मैंने उसमें दिया था एड्स अप्रूवल के लिए। तो मैंने, मेरा क्या हुआ, लगभग उसका रिव्यू अंदर तक चला था, एक हफ्ता तक इतना चला था। उसके बाद आज जैसे मैंने खोल के देखा, आज ही मेरा इसका रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। जैसे इसका रिव्यू कंप्लीट हो चुका है तो देखा कि प्रोसेस चल था, लेकिन अभी भी अपडेटिंग चल रहा है कोडुलर वर्जन, क्योंकि धीरे धीरे ये कोडुलर जो स्टेप बढ़ाते जा रहा है। आप सभी लोगों को मालूम होगा, आपको पता ही होगा कि जो कोडुलर वर्जन है उसके एपी बिल्डर से जुड़े हुए हैं, कि काफी फ्यूचर में इन दोनों मिलके क्या करते हैं ये हमें पता नहीं है, ठीक है। अभी भी आप अगर इसका कम्युनिटी गाइडलाइन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे आप कोडुलर पे साइन इन कर लीजिएगा, साइन इन करने के बाद उसमें बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार मुझे भी अजीब लगा, एक हफ्ते पहले मैंने देखा था, उसमें क्या हुआ थी, मैंने एक ऐप जो है बनाने के बाद रिव्यू में एड अप्रूवल के लिए रिव्यू कर दिया था, तो अंडर रिव्यू तो लगभग एक हफ्ता तक रहा। तो मुझे लगा ऐसा क्यों हुआ, फिर बाद में पता चला कि हाँ कुछ चेंजिंग आ गया। पहले तो था 1.4.0 था, उसके बाद 1.4.1 आया, फिर अभी मैंने देखा कि 1.4.2 आया, तब मालूम चल गया हाँ अभी जो है कोडुलर में कुछ चेंजिंग आया, जिसके कारण अभी रिव्यू अंडर रिव्यू में था, पड़ा था, क्योंकि उतना रिव्यू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोडुलर अभी कुछ प्रोसेसिंग तो चालू है, लेकिन इसमें कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट आपसे भी आया हुआ है, आप सबको पता होगा, खासतौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जो एप्स डेवलपर होते हैं, कोडुलर से एप्स बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको पता होगा, पता नहीं है तो एक बार कम्युनिटी गाइडलाइन देख लीजिएगा कोडुलर पे साइन इन करने के बाद, तो आपको पता ही चल जाएगा। वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मैं अपना जो अपना खुद का जानकारी मैं दे रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो एक बार खोल के देख लीजिए, ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या है, क्या क्या रिलेटेड, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। लेकिन कुछ अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी आ रहा है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। काफी पहले जो हम लोग बनाते थे एप्स कोडुलर पे, उससे बेहतर अभी हो चुका है, क्योंकि अभी कॉपी पेस्ट भी आराम से हम लोग कर सकते हैं जो भी चीजें बनाते हैं, जो एप्स डेवलप करते हैं कोडुलर पे। कोडुलर बहुत अच्छा अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट आ रहा है, जिससे कि हम लोग बहुत ही अच्छा चीज बना सकते हैं, ठीक है, और भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला फ्यूचर में। तो जुड़ते रहिए हमारे इसी प्रकार चैनल के साथ, और हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छा वीडियो क्वालिटी के साथ आपको लाने की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी उसको भी क्लिक कर दबा दें। तो मिलते हैं।